वेलकम स्टूडेंट्स टू माई चैनल। तारा जी, अज आप थर्ड सैशन स्टार्ट कर लगे हाँ, जिसका नाम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तारा जी, सैशन स्टार्ट करन तो पहला मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स नवे ने इस चैनल पर, वह चैनल में सबसक्राइब करन, ताकि जो भी कोई लेटेस्ट वीडियो बने उसका उन्होंने नोटिफिकेशन आ जाए। तारा जी, हूँ आप सैशन स्टार्ट करांगे, जिसका नाम मैं थोनों ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि नाम से इसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके तारा जी, लास्ट सैशन के आपने वर्बल कम्युनिकेशन की गल की सी। तो वर्बल कम्युनिकेशन वो होंगे ने जिस दे विच असी शब्दों का प्रयोग करते हैं, बट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होंदा है इस दे विच असी शब्दों की वरतों नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इस दे विच असी शब्दों तो इलावा असी बॉडी लैंग्वेज होगी, जा आई कॉन्टैक्ट हो गया, जा एक्सप्रेशंस हो गए, उन्हां दी वरतों करते हैं। इस करके असी इसनू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि इस दे विच घट तो घट असी शब्दों की वरतों करते हैं। तो फस्ट ऑफ ऑल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ांगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की है कि वो वाले मैसेज जो बिना किसी वर्ड्स नू यूज़ करे तो बिना असी लोगों नू भेजते हैं, तो असी उसनू की कहने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहने। इस दे विच असी जो भी साढ़े सिग्नल होंदे ने जां मैसेज होंदे ने वो असी एक्सप्रेशन के द्वारा या जेस्टर के द्वारा या बॉडी पोस्चर के द्वारा दूजे लोगों नू भेजते हैं। ओके, तो इस सैशन दे विच असी की सीखांगे? असी सीखांगे कि नॉन वर्बल मैथड्स केड़े होंदे ने कम्युनिकेशन दे लई, एंड इस दीआं टाइप्स पढ़ांगे एंड इस दीआं इंपोर्टेंस पढ़ांगे। सैशन दे विच आपां की सीखांगे? असी सीखांगे कि किवें एक करैक्ट बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी है, किवें एक अच्छे जेस्टर्स देने आ, किवें आई कॉन्टैक्ट मेनटेन करना है, एंड हैंडशेक किवें करना है। तो जिवें राजे तुसी देख रहे हो कि इत्थे अपने कोल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक डायग्राम दिती गई है। तो जो भी आपां मीनस अज रीड करांगे जां स्टडी करांगे उन्हां दी तुहानूं एक झलक इस डायग्राम दे विच दिख रही है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किहड़े किहड़े हुंदे ने, जिवें कि कोई आई कॉन्टैक्ट हो गया। तो आई कॉन्टैक्ट की हुंदा है? जदों असीं फेस टू फेस किसी नाल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस टाइम असी आई कॉन्टैक्ट मेनटेन करते हैं। उस तो बाद साढ़े को पारा लैंग्वेज होंगी है। पारा लैंग्वेज की होंगी है राजे? जिस दे विच असी टोन की गल करते हैं कि साड़ी वॉइस पिच किमें दी होवे, हाई है, स्लो है, या उसकी स्पीड किमें दी है, तो यह भी बहुत मैटर करती है कम्युनिकेशन दे विच। थर्ड वन इज़ एक्सप्रैशन। तो तुसी एक्सप्रैशन समझते हो क्योंकि तुसी स्माइलीज़ नू यूज़ करते हो, जिवें कि अजकल असी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो असी मोस्टली एक्सप्रैशन सेंड करते हैं लोगों नू हेल्प ऑफ स्माइलीज़। ओके, उस तो बाद असी गल करांगे पोस्चर। तो बॉडी पोस्चर तो भी सानू समझ आएगा कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किवें होंदा है। नैक्सट राज जो है जेस्टर। तो जेस्टर की हुंदा है? जिवें कि असी थंब नू अप कर रहे हैं उसका मतलब गुड लक होंदा है, जां थंब नू डाउन कर रहे हैं तो उसका कुछ होर मतलब होंदा है। तो ये सारे की होंदे ने? जेस्टर्स होंदे ने। उस तो इलावा अगर असी टच की गल करिए तो टच के विच साडा हैंडशेक आ जाता है। तो नैक्सट राज जो अपना टॉपिक है उसका नाम है इंपोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो तुसी राजे जानते हो कि जो आपां डे टू डे अपनी लाइफ है उस दे विच असी कम्युनिकेशन करते हैं, तो मोस्ट ऑफ जिहड़ा कम्युनिकेशन होंदा है वह साडी बॉडी मूवमेंट राही होंदा है, जिवें कि फेस हो गए, आर्म्स हो गई, जां कोई मूवमेंट हो गई। तो इन्हां दे राही भी असी की करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। उस तो इलावा साडे की हुंदा है? वॉइस कंट्रोल हुंदा है। तो वॉइस कंट्रोल की हुंदा है कि असी किवें बोल रहे हैं, साडी वॉइस पिच किवें है, लाइक टोन होगी या पोजिज हो गए। तो ये सारी चीज़ा भी इस दे विच आंदियां ने, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दे विच आंदियां ने। तो जो राजे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, एज जिवें कि तुसी डायग्राम देख रहे हो कि इस दे विच जो वर्ड्स ने उन्हां दी वरतों बहुत घट होंदी है। तो सब तो वध वरतों कादी होंदी है? एक्सप्रैशनस दी होंदी है, मूवमेंट्स दी होंदी है, जां पिक्चर्स दी होंदी है। ओके, एंड उस तो बाद साडी वॉइस कंट्रोल आलसो मैटर्स इन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा जी आप गल करांगे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जिमें आप लास्ट सैशन के टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन पढ़िया सी, उसी तरह नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशनस ने उस दियाँ भी कुछ टाइप्स ने। पर अज जो फर्स्ट टाइप है वह है हैंड मूवमेंट्स एंड बॉडी लैंग्वेज। पर अज हैंड मूवमेंट्स की होंगे है? जिसनों असी जेस्टर्स कहने, लाइक मैं इदा हाथ हिला रही हूँ, तो इसका मतलब की है? मैं थोड़ा हाए या हैलो कह रही हूँ। ओके, तो
ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਸਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਲਈ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਏ ਹੈਂਡ ਟੂ ਗਰੀਟ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੈਸਟਰ ਹੈ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਯੂਅਰ ਫਿੰਗਰ ਇਨ ਐਂਗਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿੰਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹਾਵ ਭਾਵ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜੋ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਜੈਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਜੈਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੋਗੇ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟ ਜੈਸਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਪੋਸਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਇਸ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਰਬਲ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਹੈਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਟੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਵਰ ਮੈਸੇਜ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੇਸਿੰਗ ਆ ਫਿੰਗਰ ਔਨ ਦਾ ਲਿਪਸ ਟੂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਨੀਡ ਫੋਰ ਦਾ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਿਪਸ 'ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੈਸ, ਤਾਂ ਨੋਡਿੰਗ ਦਾ ਹੈਡ ਮੀਨਸ, ਨੋਡਿੰਗ ਦਾ ਹੈਡ ਅਪ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਮਾਈਲਿਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲੂਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀਪ ਯੂਅਰ ਫੇਸ ਰਿਲੈਕਸਡ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਿਲੈਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੋਸਚਰ। ਤਾਂ ਪੋਸਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਡੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜੋ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਟਾਇਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਡਾਊਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਾਇਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਨਸ ਪੋਸਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੈਸਟਰਸ ਔਰ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤਾਂ ਜੈਸਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਫ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਔਰ ਮੀਨਿੰਗ। ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਵੇਵਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅਵਰ ਹੈਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਏ ਹੈਂਡ ਮੇ ਮੀਨ ਆਸਕਿੰਗ ਏ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ
ग्रुप कन्वर्सेशन दे विच बैठे हो एंड तुसी कोई क्वेश्चन आस्क करना चाहते हो तो तुसी अपना हैंड रेज कर सकते हो। अगर उसके उल्ट तुसी अपने नाखुना नू चबा रहे हो इसका मतलब की है तुसी नर्वस हो। तो पहला तुसी की करना है लोकां वल फिंगर करना अवॉयड करना है क्योंकि यह एक बुरा जेस्टर है। किसी परसन दे नाल गल करो तां तुसी अपने जो हैंड्स ने वो पॉकेट दे विच नहीं रखने, ठीक है, क्योंकि वध तो वध तुसी जदों किसी नाल गल करो तो अपने हैंड्स नू साइड दे विच रखो। उस तो बाद जो अगली टाइप है वो है टच। तो तुसी पिक्चर नू देख के समझ सकते हो कि इसका मतलब असी की है हैंडशेक कर रहे हैं। तो जदों भी असी किसी दे नाल ग्रीट करनी है तो असी उसनू टच करांगे जिवें कि असी हैंडशेक करदे हां, पैटिंग ऑन द बैक। तो स्पोर्ट्स के बीच अगर कोई कोच अपने प्लेयर्स नू पिठ थपथपांदा है तो इट मीनस ओह उन्हां दा जो है उन्होंने इनक्रेज कर रहा है गेम के लिए। तो जदों भी तुसी किसी नाल हैंडशेक करना है तो शेक हैंड्स फर्मली, ओके, तो फर्मली तुसी हैंडशेक करना है। अवॉयड अदर टच जेस्टर्स, तो जो होर टच जेस्टर्स ने उन्होंने अवॉयड करना है जिमें कि स्ट्रोकिंग यूअर हेयरस, अपने वालों के हाथ मारना, स्क्रैचिंग यूअर नोज, अपना नक् खुरकना, टगिंग ऑन यूअर क्लोज, अपने कपड़िया खिंचना ड्यूरिंग द फॉर्मल कम्यूनीकेशन। तो फॉर्मल कम्यूनीकेशन वेले तुसी ए सारी चीज़ों की करना है अवॉयड करना है। नैक्सट है स्पेस। तो स्पेस की होंगी है कि दो परसन के किन्नी क स्पेस होनी चाहिए है वायल कम्यूनीकेशन। तो स्पेस हमेशा डिपेंड करती है कि जो तुसी कम्यूनीकेशन कर रहे हो वह फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो जदों भी तुसी फॉर्मल कम्यूनीकेशन करते हो तो प्रोपर स्पेस मेनटेन करके रखनी है, ओके। उस तो बाद गल करते हैं आई कॉन्टैक्ट की। तो आई कॉन्टैक्ट की होंदा है कि जदों भी तुसी किसी परसन दे नाल गल कर रहे हो तो तुसी उन्हां दे नाल आई कॉन्टैक्ट मेनटेन करके रखना है। तो जदों भी तुसी किसी नाल आई कॉन्टैक्ट मेनटेन करोगे इट मीनस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट वाइल टॉकिंग विद दैम, ओके। अगर तुसी इस तरह नहीं करोगे तो दूसरे परसन नूं ऐदां लगेगा कि तुसी उसनूं इग्नोर कर रहे हो। तो जो भी इस तरह की सिचुएशन होवे लुक एट द परसन हु इज स्पीकिंग। तो जो भी व्यक्ति थोड़े नाल गल कर रहा है उसके वल देखो कि पर रिलैक्सड प्लेजेंट लुक, ठीक है, तो रिलैक्स रहो तो एक अच्छी तरीके नाल उन्हां दे वल ध्यान दो। थोड़े थोड़े टाइम बाद अपनी जो निगाह है हटाओ क्योंकि अगर तुसी उन्हां कंटिन्यू देखे जाओगे तो यह ऑड हो सकता है। नैक्सट है पारा लैंग्वेज। तो पारा लैंग्वेज की होंगी है, एक की होंगी है टोन ऑफ वॉइस, ठीक है। तो ये की कंसीडर करती है, ये दसती है कि जो साड़ी वॉइस है उसकी टोन किमें दी होनी चाहिए है, किमें दी स्पीड होनी चाहिए है, तो किमें दी वॉल्यूम होना चाहिए है जो भी असी कम्यूनीकेशन करते हैं। क्योंकि जो भी असी हाई टोन यूज़ करते हैं या स्लो टोन यूज़ करते हैं तो दोनों का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। अगर असी कई बार बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि असी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हाँ या नर्वस हाँ, ओके। अगर असी बहुत ही ज़्यादा स्लो बोलते हैं इसका मतलब कि असी सैड हाँ, ओके। तो अगर साड़ी वॉइस ऑफ टोन चेंज होएगी तो इस दे नाल भी कम्यूनीकेशन का पता चल जाएगा। एंड उस तो बाद है यूज, जो भी असी ये सारी चीज़ां बोलनिया है तो असी एक प्रोपर टोन नू रखना है अपने कम्यूनीकेशन दे विच जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज ना होवे ते बहुत ही ज़्यादा स्लो ना होवे। ते हमेशा असी एक मॉडरेट स्पीड रखनी है वाइल टॉकिंग। नैक्सट टॉपिक है विजुअल कम्यूनीकेशन। तो विजुअल कम्यूनीकेशन का मतलब है कुछ देखना, देख के कम्यूनीकेशन करना। विजुअल का मतलब होंगे कोई चीज़ अभी जो देखते हैं या किस कोई ऐसा इस तरह का मैसेज जो दिख रहा है तो उसनों असी की कहेंगे विजुअल कम्यूनीकेशन। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथड है फॉर द कम्यूनीकेशन। तो राजे विजुअल कम्यूनीकेशन की होंगे है जिस दे विच असी जो भी किसी दूसरे परसन नू मैसेज सेंड करते हैं तो उस दे विच असी इमेजेस नू यूज़ करते हैं। तो इसका मेन एडवांटेज की होंदा है कि सानू कोई भी लैंग्वेज नू बोलन दी लोड़ नहीं हैगी क्योंकि असी सिर्फ पिक्चर नू देख के मैसेज समझ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सौखा तरीका है एक कम्यूनीकेशन का। तो आप देखते हैं कि यह जो कम्यूनीकेशन है आप कितने यूज़ करते हैं, जिमें कि तुसी देख सकते हो कि अपने को एग्जाम्पल्स दित्तियां हुई ने विजुअल कम्यूनीकेशन की। द फर्स्ट की है ट्रैफिक सिंबल्स विच कम्यूनीकेट नॉट टू ब्लो हॉर्न, ठीक।
तो तुसी देख सकते हो कि जो ए वाली एग्जाम्पल है इसका जो सिंबल है तो आप देख के ही समझ सकते हैं कि असी अगर यह जी जगह पर खड़े हाँ जिथे हॉर्न नहीं बजाना। उस तो बाद है राजे ट्रैफिक लाइट्स का। ट्रैफिक लाइट्स तो भी सानू पता चल जाता है कि कदों असी स्टॉप करना है एंड कदों असी जाना है। ओके, उस तो बाद साइंस फॉर लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट। तो अगर असी पब्लिक प्लेस से टॉयलेट जा रहे हैं तो असी सिंबल्स तो पता कर सकते हैं कि कौन सी जेंट्स टॉयलेट है एंड कौन सी लेडीज। अगर तुसी राजे कुछ ऐदा का सिंबल देखते हो ट्रैंगल वाला तो इसका मतलब की है कि असी रेलवे क्रॉसिंग दे नज़दीक हाँ। ओके, क्योंकि यह रेलवे का सिंबल है। उस तो बाद राजे अपने कोल होर भी सिंबल्स ने जिमें कि फ्लैम्बल सबस्टेंस हो गए जसप्री सरफेस। ओके, एंड उस तो बाद अगर असी टाइम यूज टू पॉज आ वीडियो और ऑडियो फाइल इन अ स्मार्टफोन तो उसका सिंबल यह होंदा है। राजे नो स्मोकिंग जोन का जो सिंबल है वो यह होंदा है। स्टूडेंट्स, सो अज का जो अपना सैशन से सैशन नंबर 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो पूरा हो चुका है। हुण आपां एक बार इसकी रिविजन करांगे। जो अपना अज का सैशन से इस दे विच सब तो पहला असी की सीखिया मीनिंग सीखिया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, एंड उस तो बाद असी इंपोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बारे गल की, एंड उस तो बाद असी टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बारे पढ़िया, एंड उस तो बाद फॉर्मल ते इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की गल की, एंड उस तो बाद आपां पैरा लैंग्वेज बारे पढ़िया एंड विजुअल कम्युनिकेशन बारे पढ़िया एंड उस दियां एग्जाम्पल्स पढ़िया। तो अज का जो राजे इस सैशन का ऑब्जैक्टिव से इसका ऑब्जैक्टिव यही सी कि जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने पता चल सके कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की होंदा है एज वैल एज विजुअल कम्युनिकेशन की होंदा है ते उसकी जो इंपॉर्टेंस है वह किन्नी ज़्यादा है साड़ी लाइफ के। उस तो बाद असी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बारे भी पता किया एंड उसका जो यूज़ है वह किमें करैक्टली करना है। तो ऐसिया कौन सी कॉमन मिसटेक्स ने जो कि असी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं उसनों असी किमें अवॉयड करना है। एंड जो फर्स्ट ऑफ जो मीनिंग ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका मीनिंग यह सी जिसके असी वर्ड्स नू यूज़ नहीं करते जो भी किसी परसन मैसेज सेंड करते हैं, एंड जो असी मैसेज सेंड करते हैं वो असी किमें करांगे एक्सप्रेशंस राही करांगे या जेस्टर्स राही करांगे या बॉडी लैंग्वेज राही करांगे। उस तो बाद असी गल कीती सी इंपोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इंपोर्टेंस की सी इस दियां, इस दी इंपोर्टेंस सी कि असी किमें राइट जेस्टर यूज करने आ जदों भी असी किसी दे नाल गल करनी आ, एंड उस तो बाद सी टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दे विच की सी हैंड मूवमेंट सी ते बॉडी लैंग्वेज सी एक्सप्रेशन सी एंड फेशियल एक्सप्रेशन किमें यूज करने ने। उस तो बाद सी पोस्चर की गल की सी एंड जेस्टर की गल की सी एंड उस तो बाद लास्ट दे विच की सी टच। उस तो बाद राजे पैरा लैंग्वेज सी, तो पैरा लैंग्वेज की होंदी है साड़ी जो स्पीकिंग टोन होंदी है वह किस तरह की होनी चाहिए है, ना ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए है तो ना ही ज़्यादा स्लो होनी चाहिए है, मीनस की होनी चाहिए है मॉडरेट होनी चाहिए है। तो उस तो बाद असी विजुअल कम्युनिकेशन की गल की सी, विजुअल कम्युनिकेशन केड़े मैसेज होंदे हैं जिस दे विच असी पिक्चर या इमेज की वरतों करते हैं जो असी कोई मैसेज दूसरे परसन नू सेंड करना होंदा है। तो जो साडे एग्जाम्पल सी विजुअल कम्युनिकेशन दियाँ जिमें कि ट्रैफिक लाइट्स हो गई या अपना ट्रैफिक सिंबल हो गया या लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट होगी या रेलवे क्रॉसिंग होगी ओके चाहे नॉन स्मोकिंग जोन होगी, तो ये सारे साडे की सी विजुअल कम्युनिकेशन दियाँ एग्जाम्पल सी। तो स्टूडेंट्स, आई होप थोनू अज का यह सैशन चंगी तरह समझ आ गया होगा जिस दे विच असी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बारे गल कीती सी। ਸਾਰਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।